हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा दिल्ली मेट्रो रेलवे के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, रिसेंटली पोस्ट हुआ है, उसके बारे में आपको जो कि डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट निकला है, सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियली पेज जो है दिल्ली मेट्रो के मैं ओपन कर चुका हूँ। उसके साथ साथ नीचे में यहाँ पर जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है सब कुछ, यहाँ पर रिसेंट जो जो पोस्ट हुआ है जॉब के यहाँ पर चला आया है, तो उसका मैं वन बाई वन मैं यहाँ पर क्लियर करके आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, कौन कौन लोग जो कि अप्लाई कर सकते, किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ DICEXEN AEN सिविल रेलवे ऑफिसर ऑन डिपुटेशन, एंड उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट डॉक्टर इन दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंड उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जनरल मैनेजर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपुटेशन 7। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर लीगल इन DMRC ऑन डेपुटेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ रिटायर्ड पर्सनल असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिक एज कंसल्टेंट फॉर DMRC प्रोजेक्ट। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक फॉर DMRC प्रोजेक्ट। उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर लैंड ऑन रीएम्प्लॉयमेंट बेसिक फॉर DMRC। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे और भी जो कि यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप ओपन करके आप वहाँ से जो कि अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, तो वन बाई वन आप लोग चेक करके जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगता है कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल कर सकते हो या इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हो, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वन बाई वन सब जो पोस्ट यहाँ पे निकला नहीं दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे वन बाई जस्ट यहाँ पे एक जो कि रिक्रूटमेंट फास्ट जो रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइज है इसको मैं ओपन करके इसका डिटेल में आप लोगों को दे देता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब आप इस पोस्ट इस पेज में आके वन बाय वन जो जो पोस्ट निकला हुआ है आप वन बाय वन चेक करके जिस पोस्ट के लिए आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफिशियली जो एडवर्टाइज है यहाँ पर डाउनलोड होकर जो कि PDF है यहाँ पे डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाने के बाद आपको वहाँ से जो कि इस जॉब की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जिस पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ उस पोस्ट के जो कि डिटेल यहाँ पे मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे पोस्ट का नाम आप लोगों को मैं बता दे दिया था, जो कि यहाँ पे और एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है यहाँ पर आपको 15,600 to 39,100 रुपीज़ आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे पोस्ट जो दिया गया है मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, जॉब लोकेशन इसका रहेगा आपको मुंबई दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो 2 है, स्पेशलाइजेशन जो कि है सिविल। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर सिविल इंजीनियरिंग कर चुके या इंजीनियरिंग BTech या BE कर चुके तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे इसका जो और भी डिटेल्स हैं मैं वन बाई वन में आप लोग क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते मैक्सिमम जो है एज। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको स्किल टेस्ट एंड फिजिकली फिटनेस जो कि होगा, और रिटेन टेस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसका जो फॉर्म है इस फॉर्म को मैं आप लोगों को दे दे एक बार जो कि फिलअप किस तरह से आप कर सकते हैं उसका भी एक बार डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से कि आपको फॉर्म जो कि आपको मिलेगा, जिस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेम, जेंडर, सर्विस डिपार्टमेंट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनल डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल जो कि है आपको यहाँ पर वो देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, तो इस पहले अगर कोई भी काम कर चुके तो आपको उस एक्सपीरियंस के डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद
डिटेल्स और डेपुटेशन एंड उसके बाद अचीवमेंट एंड रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस जो की है यहाँ पे आपको सब कुछ देख के आपका सिग्नेचर एंड डेट ऑफ प्लेस आपको देख के इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो कि आप दिल्ली मेट्रो में और भी जो जो पोस्ट निकला हुआ है या रिक्रूटमेंट निकला हुआ है सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना आपको जो कि आप कर सकते हो। तो आज के लिए यही वीडियो है, अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।